हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है। पता नहीं इसको महायुद्ध बोले या धर्म युद्ध बोले, जो भी हो आप सबको पता ही है कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बीच में जो महायुद्ध चालू है, इसमें कौन सही कौन गलत, इसके बारे में काफी सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। लेकिन एक बात आप सोच कर देखिए, जो मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आज अभी अभी मैंने दो तीन इंटरव्यू भी सुने हैं, विवेक बिंद्रा के इंटरव्यू सुने हैं। तो उसमें मुझे मतलब इन टोटल मुझे ये बात समझ में आई कि क्या है कि खाट के नीचे कौन है, मैंने चोरी नहीं की, बात कुछ ऐसी ही है। जैसे देखिए, पहला जो वीडियो मतलब बिल्कुल फास्ट वीडियो जो बिग स्कैम पोस्ट कहकर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। बस कुछ लड़के बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ कोर्स खरीदा है और उसको उसमें वो फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। तो इस बारे में बातें चल रही थी। ठीक है, देखिए क्या बात है कि वो जो लड़का बोल रहा था, उन्होंने क्या बोला कि वो जो जो भी है बिजनेसमैन जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, वो सिखाते हैं कि बिजनेस करके सक्सेसफुल कैसे बने, और इसका बहुत ही ज्यादा महंगा रेट है। सुनिए, बहुत ज्यादा महंगा रेट है और इसमें मतलब आपको सिखाएंगे कि आप कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सिखा रहा है वो खुद वो सीख कर मतलब उस कोर्स को सीख कर खुद कोई बिजनेस नहीं किया है, उन्होंने भी सीखा है और अगले वाले को भी सिखा रहा है, और जिनको सिखा रहा है उनको भी क्या क्या मतलब उनको भी क्या करना है कि उस कोर्स को आगे बेचना है। देखिए, यहाँ पर विवेक बिंद्रा अकेले नहीं है, मैंने भी इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई सामान आपको खरीदना है, ठीक है, उसको आपको आगे भी ऐसे बंदे पकड़ना है कि वो भी आपका वो मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। तो जो खरीद कर आपको खुद पसंद नहीं आया, उसको भी आपको बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, दूसरों को फंसाना है और उनको बेचना है, तभी आपको पैसा मिलेगा, आपको फायदा तभी होगा। तो बात यह है कि अकेले विवेक बिंद्रा नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्कैम बिजनेस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब चढ़ा हुआ दाम में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और जो एक बार खरीद ले वो समझता है कि मैं तो फंस गया भाई, अभी क्या करूं, इससे अगर मुझे पैसा कमाना है मतलब कि जो पैसा मैंने डाला है लगाया है वो पैसा अगर मुझे वसूलना है तो मुझे और भी बकरों को फंसाना है, और भी लोगों को मुर्गा बनाना है, तो और भी लोगों को। अभी ऐसा क्या होता है कि आज के जमाने में कोई ऐसा इतना यकीन नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार, अपने घर वाले, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, इन सबों को ना बताते हैं कि ऐसा खरीद लो, ये करो वो करो, बहुत अच्छा है ये वो। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि अपने ही लोगों को वो ठगते हैं। ऐसा करके मैंने भी किया था और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने लोगों को ठगा नहीं है और मैंने उसको छोड़ दिया। जितना मेरा नुकसान हुआ था उतना नुकसान मैंने मान लिया है और मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब सब लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, मेरे जैसा इतना छोटा सा इन्वेस्ट करके सब लोग शुरू नहीं करते हैं। मैंने क्या इन्वेस्ट किया था, वैसे ही 2000-3000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर घुसते हैं मतलब एंट्री लेते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इतना सारा पैसा गवाया तो नहीं जाता है, तो फिर क्या करते हैं, उसी में वो खुद भी एक स्कैमर बन जाते हैं। ठीक है, खुद भी स्कैम बिजनेस करने लगते हैं। तो ऐसा करके जो बात चल रही थी अभी हमारी, जो संदीप महेश्वरी ने जो वीडियो बनाया है, तो उसमें जो स्कैम बिजनेस मतलब कि बिजनेस कैसे करे और बिजनेस कैसे सीखे, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बने, ये बात सीख कर उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा है, मतलब कि उससे आप खुद बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप उसको दूसरों को सिखा रहे हो, सिखा कर उसको क्या बोल रहे हो कि यहाँ से अगर पैसा कमाना हो तो ये आपको ये कोर्स आगे भी सेल करना है। मतलब ये सेलिंग का एक नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। ठीक है, आपने अगर खरीद लिया तो आपको उसको आगे बेचना पड़ेगा,
ये चीज अभी क्या हो रहा है कि ये जो संदीप महेश्वरी ने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के ऊपर पहली वीडियो में कोई तो नाम नहीं मेंशन था, लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा ने ये किया है, पोस्ट किया है कि आपने मेरे बारे में बोला है और जिस बिजनेस के बारे में आप बताया है वो तो मैंने मई महीने में छोड़ दिया है। अब मई महीने में छोड़ दिया है, अगर ये सच है इसका मतलब उससे पहले तक वो यही बिजनेस कर रहे थे, ये सही है, उन्होंने खुद माना है। और ऊपर से देखिए, जो भी ये लोग जो लोग इनके कोर्स खरीदे हुए हैं, ये लोग जो फंसे हुए हैं, और ये लोग गए कहाँ है कि ये लोग गए संदीप महेश्वरी सर के सेशन लेने, और वहां तो फ्री सेशन मिलता है, ना ही वो सेशन के लिए कोई पैसा लेते हैं, ना ही वो वीडियो अपलोड करके कोई पैसा कमाते हैं। मतलब वो तो बिल्कुल आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट वो ये काम कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए। तो इसीलिए हम ये नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली क्या है कि संदीप सर ने जो भी बातें की है उसके पीछे कोई फाइनेंशियल मोटिव तो नहीं है, ये बात तो साफ है। और बाकी जिसके बारे में भी करे उनमें मतलब है, बात है, तभी इन्होंने बात निकाली है। और यहाँ पर विवेक बिंद्रा जो बात करते हैं वो अकेले बात करते हुए नजर आते हैं, और संदीप महेश्वरी जो बात करते हैं वहां पर वो अकेले नहीं होते हैं, वहां पर वो लोग बातें करते हैं जो लोग खुद फंसे हुए हैं। मतलब कि अगर फंसे हुए जो खुद फंसा है उसके मुंह से अगर आप सुन रहे हैं तो वो बात सच ही है, और संदीप महेश्वरी के कोई भी बातों के पीछे कोई भी फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, ये बात क्लियर है। इसका मतलब भाई आप भी खुद भी सतर्क हो जाइए कि ऐसे विवेक बिंद्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर है यहाँ जो कि आपको फंसाने के लिए जाल बिछाए हुए है। इसीलिए भाई सतर्क रहिए और अपना जो काम है वो ध्यान से कीजिए, दूसरों के किसी भी बात पर फंसना नहीं है। और अगर अगर ऐसा कभी हुआ भी कि आपको कोई कहीं पैसा इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करने को कहे तो आप छोटे से शुरू कीजिए, ताकि आपके सामर्थ्य में मतलब आपके हैसियत में जितना है, जितना आप अगर किसी को दान भी करें तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े, इतना सा लगाइए, ठीक है? इससे ज्यादा कभी भी लगाना नहीं है, इससे ज्यादा लगाना ही नहीं है, थोड़े से में लगाना है। अगर आपको उससे ग्रो करना हो आपको उतने समय ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं, तो ऐसा करके आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तो बस विवेक बिंद्रा के बारे में बोलना मेरा मेरी असली मकसद नहीं थी, मैं बोलना चाह रही थी कि ऐसा नेटवर्क मार्केटर बहुत है जो कि किसी काम के नहीं है, बहुत चढ़ा दाम में ये लोग सामान बेचते हैं और बकरा बनाते हैं और अगले वालों को बेचते हैं, ठीक है? इनसे बचे और खुद सेफ रहे, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सेफ रखे। सो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।